इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अचानक से जो है आंगे जो है शॉक्ड होकर उठता है और उठ के बैठ जाता है। तो इस तरीके से घबराया देख मुखी जो है वो आंगे को आवाज़ मारता है, तभी जो है आंगे मुखी की तरफ देखता है और मुखी का नाम बुलाता है। और मुखी जो है आंगे जो है ये सब देखने के बाद जो है थोड़ा सैड होता है और वो मन में सोचता है कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। तभी जो है मुखी आंगे का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुमने ड्रीम में किसी को देखा, हाँ और कौन था वो। तो ये सुन के जो है आंगे मतलब मुखी की तरफ ना देख के साइड में देखता है और कहता है कि कोई भी ये नहीं था और मुझे याद नहीं कि कौन था मेरे सपने में। और आगे जो है मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने मुखी को प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं उसे पूरा यालिन जो है स्टेट घुमाऊंगा, ये सच्ची में मैंने ही बोला था, ये बहुत ही अलग है, मुझे याद क्यों नहीं है इस चीज़ के बारे में, ये मुखी ही है। तभी जो है मुखी जो है आगे को देख रहा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मन में सोचता है कि आगे पक्का वो जो भी उसके सपने में था उसी के बारे में सोच रहा है। तभी जो है मुखी जो है वो आगे का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम जो है लूसी के बारे में सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना कि तुम उसके साथ यहाँ से यालिंग स्टेट कैसे भाग जाओ। तभी जो है ये सुन के जो है आगे कहता है कि क्या, और मन में सोचता है कि मैं तो सोच रहा था। और आगे जो है क्योंकि वो मुखी के बारे में सोच रहा होता है, उसकी स्माइल जो कि मुखी ने आगे को बुलाया होता है कि इधर मेरे पास आओ, ये सब सोच रहा होता है। तभी जो है मुखी जो है गुस्से में होता है और वो आगे से पूछता है कि आगे क्या तुम उसके साथ सो रखे हो क्या। हाँ ये सुन के जो आगे पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हम दोनों बस साथ में बड़े हुए हैं, वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैं जो हूँ यालिंग स्टे का मोनाज और वो मेरी हेल्प करते थे चीज़ों को मुझे बताने में, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हमारा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और वैसे भी वो भी जो यालिंग कंट्री के एक मेंबर की तरह ही है जो देखता है कंट्री को। और आगे जो बिल्कुल नर्वस सा होता है, मन में सोचता है कि मुझे कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, चाहे मेरे को कितना भी मुश्किल हो पर मैं तुम्हें ये चीज़ समझा के ही रहूँगा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो है ये देख के मुझे स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, नर्वस क्यों फील कर रहे हो। तभी जो है सुन के आगे कहता है कि मैं तभी जो है आगे जो है थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बना के दूसरी तरफ देख के कहता है कि मैं भी जो है अब यहीं पे ही रहूँगा, मैं भी यहीं पे काम करने वाला हूँ, हाँ तो मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई भी मेरे को देखे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसे, ठीक है। और ये बोलने लगे आगे मन में सोचा ओ शायद मैंने क्या बोल दी, कहीं ये सुन के जो है मुझे गुस्सा ना आए, और मुझे लग रहा है कि अब तो जो है मुखिया पहले से और भी ज़्यादा गुस्से में होगा। और ये सोच के जो आगे थोड़ा घबराया हुआ देखता है, तभी अचानक से जो है मुखे आगे को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी हेल्थ जो है अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, तो लाओ मैं जो है तुम्हें मेडिसिन जो है अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद तुम जो है रेस्ट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद इन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तभी जो है ये सुन के जो है आगे तो वैसे ही शॉक रहता है, तभी आगे कहता है कि मुखी और लूसी जो है वो जो है मुझे अभी भी जो है यालिंग स्टेज का नाच मानता है और इसलिए उसने सिर्फ मेरी हेल्प की है, मेरे को सेव किया है, ठीक है, प्लीज़ उसे जाने दो। तो अभी जो है ये सुन के जो है मुखी गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो कंट्रोल करके रखता है और कहता है कि पहले मुझे जो है ऑलमेंट जो मेडिसिन है उन्हें लगाने दो। तभी जो है जो आगे है वो मुखी बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उसको पकड़ के रखता है और कहता है कि मुखी क्या तुम मुझे प्लीज़ प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसे छोड़ दोगे, जाने दोगे। तभी जो है मुखी स्माइल करके कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करोगे तो मैं उसे जाने दूंगा, ठीक है। तभी जो है जो मुखी है वो धीरे धीरे आगे के जो कपड़े हैं उसे जो है निकाल रहा होता है और ये देख के जो है मुखी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और ये तभी जो है आगे जो है वो मुखे को नहीं बोलता और उसके हाथों को रोकता है। तभी ये देख के जो है मुखे कहता है कि इसका मतलब तुम नहीं चाहते मेरे साथ करना है ना, और ये सुन के फिर आगे जो प्रॉब्लम में फंस जाता है। हाँ फिर आगे को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो जो है मुखे से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर जो है आगे थोड़ी देर बाद जो है मुखे क्लोज आता है और कहता है कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसे होगा। और रॉयल हाइनेस और आगे जो है मुखे क्लोज आ जाता है, आप समझ सकते हैं इसके आगे क्या हुआ होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट जगह देखते हैं जहाँ पे आगे सोया होता है, वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और कहती है कि सब डायरेक्ट है, ये आपका ब्रेकफास्ट आ गया, वो जो
ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आइए मैं आपके जो है ड्रेस चेंज करने में आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी जो है आगे उठ के बैठ जाता है और कहता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जो है ना कर लूँगा जो मुझे करना है। तभी जो है जो आगे बेड से उठता है पर उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो सर्वेंट देखती है और उसके हाथ में जो बाउल होता है उसे साइड में रखती है और कहती है रुको मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तभी हम बोलते हैं कि जो है वो सर्वेंट आगे को ड्रेसअप कर रही होती है और कहती है कि हमें जो है रॉयल हाइनेस स्पेशली ब्रेकफास्ट भिजवाएगी बाउल में, आप इसको पियोगे तो इससे आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल अच्छी रहेगी। और रॉयल हाइनेस ने हमें ये भी कहा है कि हम आपको देखें कि आप जो है इसे पूरा फिनिश कर रहे हैं कि नहीं। तभी जो है मुखी सुन के जो है पूछते हैं अच्छा रॉयल हाइनेस अगर है कहाँ पे हाँ। तभी जो है ये बोलने के बाद जो है आगे अपने मन में सोचता है कि जो लूजी है उसने मुझे बचाने के लिए इतनी चोटें खाई है ना, यहाँ तक कि जो है मुके जो है लूजी को मारने वाला था और उसके बाद जो है बेचारे मुजी को के पास लूजी के पास जो है किसी को भेजा भी नहीं होगा कि उसकी कोई थोड़ी केयर कर सके, देखभाल उसकी मेडिसिन उसकी जो चोट है, क्यों ना मैं ही जाके जो है लूजी को कुछ मेडिसिन दे दूँ उसकी चोट पर लगाने के लिए। तभी जो है वो सर्वेंट है वो कहती है कि जो रॉयल हाइनेस है वो बाकी रॉयल मेम्बर्स को जो है एकेडमी कर रहे हैं, उनको व्यूज कर रहे हैं, उनको जो है टीचिंग मतलब दे रहे हैं, तो वो अभी कुछ समय तक नहीं आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए वो वहीं पर ही है, अभी उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। तभी जो ये सुनने के बाद जो है आगे थोड़ा दूर जाके कहता है कि एक्चुअली मैं इतनी देर तक सो के जो है बोर हो गया हूँ और मैं थक भी गया हूँ, इसलिए अब मैं जो है थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पर जा रहा हूँ, और ये बोल के वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचते तभी जो आगे के सामने दो सर्वेंट आ गए घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सब डायरेक्टर। तभी जो है आगे कहते हैं कि मुझे खुद अकेले नॉर्मल वॉक करनी है। तभी वो सर्वेंट कहते हैं कि ये जो है रॉयल हाइनेस का ऑर्डर है, हमें माफ़ करिएगा। तभी जो है ये सुन के जो है आगे थोड़ा सैड रहता है और मन में सोचता है कि मुके फिर से जो है मेरी जो है जासूसी कर रहा है, मेरे पे नज़र रख रहा है, उससे मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो ये सब सोचने के बाद जो है आगे गुस्से में कहता है कि जो भी हो हमारी मर्जी जो भी हो। फिर हम देखते हैं कि आगे जो है चलते चलते स्टैंड जो ड्रैगन जो गेट है ड्रैगन का वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी जो है वो सर्वेंट वहाँ का रास्ता आगे का रोक लेते हैं। तो तभी जो है आगे गुस्से में कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं रॉयल हाइनेस ने मुझे खुद बोला कि मैं ईस्टर्न प्लेस में कहीं पर भी जा सकता, तो तुम क्या उनके ऑर्डर का मना कर रहे हो, उनके ऑर्डर को नहीं मानोगे हाँ। तभी सोचते कि क्या उनने बोला है। तभी अचानक से वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो है आगे वहाँ से बीच में से निकल के भाग जाता है और कहता है कि मेरे जो है पीछे मत आना समझे हाँ, और मेरा पीछा भी मत करना। और आगे जो है मन में सोचता है कि मुझे फटाफट से जो है लूजी को जो है मेडिसिन देकर वापस आ जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।